डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर आराधना त्रिपाठी, आज मैं आप लोगों के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट का प्रैक्टिस सेट फोर्थ लेके आई हूँ। इस सेट में मैंने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास की अवस्थाओं से रिलेटेड सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, और जो स्टूडेंट मेरे चैनल पर पहली बार आए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, रॉस के अनुसार शैशवावस्था है 1 से 3 वर्ष, 1 से 5 वर्ष, जन्म से 2 सप्ताह, जन्म से 3 से 4 सप्ताह तक। राइट आंसर क्या है? 1 से 3 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं रॉस के अनुसार, और 1 से 5 वर्ष की अवस्था को किसके अनुसार है? ये सैले के अनुसार 1 से 5 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। हरलाक के अनुसार जन्म से 2 सप्ताह तक की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं, और कॉल सैने के अनुसार नव शैशव अवस्था जन्म से 3 से 4 सप्ताह तक की अवस्था को शैशव अवस्था कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रास के अनुसार पूर्व बाल्यावस्था है, ठीक है, 3 से 5 वर्ष, 2.5 से 5 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 5 से 12 वर्ष। राइट आंसर क्या है? 3 से 6 वर्ष पूर्व बाल्यावस्था, जबकि कॉल सैनिक के अनुसार पूर्व बाल्यावस्था क्या है? 2.5 से 5 वर्ष है, ठीक है, और सैले के अनुसार बाल्यावस्था है 5 से 12 वर्ष। इन्होंने दो भागों में डिवाइड नहीं किया है, सिर्फ एक ही बताया है बाल्यावस्था के बारे में, और हरलाक के अनुसार पूर्व बाल्यावस्था है 3 से 6 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिए, रॉस के अनुसार उत्तर बाल्यावस्था है, उत्तर बाल्यावस्था देखना है, 6 से 12 वर्ष, 5 से 12 वर्ष, 7 से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष। राइट आंसर क्या है? 6 से 12 वर्ष को हम क्या कहते हैं? उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं, जबकि सैले ने 5 से 12 वर्ष को बाल्यावस्था बताया है, ठीक है। इन्होंने सिर्फ बाल्यावस्था में डिवाइड किया है, उत्तर बाल्यावस्था या पूर्व बाल्यावस्था ना बता के सिर्फ बाल्यावस्था में बताया है 5 से 12 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं, जबकि हरलॉक ने 7 से 12 वर्ष की अवस्था को उत्तर बाल्यावस्था माना है। ये अवस्थाओं से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए इसको। रॉस के अनुसार किशोरावस्था है, किशोरावस्था कौन सी है? 12 से 18 वर्ष, 12 से 21 वर्ष, 13 से 21 वर्ष, 15 से 18 वर्ष। राइट आंसर क्या है? 12 से 18 वर्ष की अवस्था को क्या कहते हैं हम? किशोरावस्था कहते हैं, जबकि सैले ने भी 12 से 18 वर्ष बताई है किशोरावस्था की आयु, और कॉल सैनिक ने 12 से 21 वर्ष बताई है, और हरलॉक के अनुसार है 13 से 21 वर्ष की अवस्था को हम किशोरावस्था कहते हैं। कई बार क्वेश्चन में आता है हरलॉक के अनुसार किशोरावस्था की आयु क्या है, तो ठीक है, 13 से 21 वर्ष की अवस्था को हम किशोरावस्था कहते हैं। किसके अनुसार है? ये हरलॉक के अनुसार है, जबकि रॉस ने 12 से 18 वर्ष की अवस्था को किशोरावस्था माना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉले सनिक के अनुसार जन्म पूर्व अवस्था है, गर्भाधान से जन्म तक, जन्म से 3-4 सप्ताह तक, 1 से 2 माह से 15 माह तक, और 15 से 30 माह तक, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है? गर्भाधान से जन्म तक की अवस्था को जन्म पूर्व अवस्था कहते हैं, जबकि 3 से 4 सप्ताह तक की अवस्था को क्या कहा है इन्होंने? नव शैशव अवस्था कहा है, और 1 से 2 माह से 15 माह तक की अवस्था को प्रारंभिक शैशव अवस्था, और 15 से 30 माह तक की अवस्था को उत्तर शैशव अवस्था में इन्होंने डिवाइड किया है। हरलाक के अनुसार बचपना अवस्था है, गर्भाधान से जन्म तक, 3 सप्ताह से 2 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक, 7 से 12 वर्ष तक। राइट आंसर क्या है? 3 सप्ताह से 2 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहते हैं हम? बचपना अवस्था कहते हैं, जबकि गर्भाधान से जन्म तक की अवस्था को गर्भावस्था कहते हैं, और 3 से 6 वर्ष की अवस्था को पूर्व बाल्यावस्था, और 7 से 12 वर्ष की अवस्था को उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। हरलाक के अनुसार 11 से 13-14 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहते हैं? किशोरावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, वयासंधि अवस्था, पूर्व किशोरावस्था। राइट आंसर क्या है? वयासंधि अवस्था। अब किशोरावस्था को इन्होंने कैसे डिवाइड किया है? 13 से 21 वर्ष में किया है,
उत्तर बाल्यावस्था को 7 से 12 वर्ष में किया है, पूर्व किशोरावस्था को 13 से 17 वर्ष में और उत्तर किशोरावस्था को 18 से 21 वर्ष में हरलॉक ने डिवाइड किया है। हरलॉक के अनुसार प्रौढ़ावस्था है 21 से 40 वर्ष, 21 से 60 वर्ष, 60 के बाद 41 से 60 वर्ष। राइट आंसर क्या है, 21 से 40 वर्ष की अवस्था को प्रौढ़ावस्था कहते हैं और 41 से 60 वर्ष की अवस्था को क्या कहते हैं, मध्यावस्था कहते हैं। 60 के बाद की अवस्था को क्या कहते हैं, वृद्धावस्था कहते हैं। ठीक है, 21 से 60 के बीच में कोई अवस्था इन्होंने डिवाइड नहीं करी है, तो 21 से 40 में प्रौढ़ावस्था, 41 से 60 में ये की है आपकी मध्यावस्था और 60 के बाद वृद्धावस्था। अध्ययन की दृष्टि से विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, देखिए 6, 5, 9, 12 राइट आंसर क्या है, 9 अवस्थाएं हैं। हरलॉक के अनुसार इन 9 अवस्थाओं के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ जिससे कि पूरा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को और इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है बेटा, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए इसको। सबसे पहले उन्होंने, हरलॉक ने गर्भकालीन अवस्था बताया। फर्स्ट गर्भकालीन अवस्था को 3 भागों में डिवाइड किया है, कौन कौन सी हैं, बीजावस्था, ये गर्भाधान से 2 सप्ताह की अवस्था होती है, भ्रूणावस्था 3 सप्ताह से 2 माह तक की, और गर्भ शिशु की अवस्था 3 माह से जन्म पूर्व तक की अवस्था को गर्भ शिशु की अवस्था कहते हैं। इस तीनों में से, इन अवस्थाओं से एक क्वेश्चन जरूर आएगा आप लोग के एग्जाम में। सेकंड देखिए, शैशवावस्था, जन्म से 15 दिन की अवस्था को हरलॉक ने शैशवावस्था कहा है। फिर बचपनावस्था, 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक की अवस्था को बचपनावस्था, बाल्यावस्था 2 से 12 वर्ष तक की अवस्था को, और बाल्यावस्था में 2 भाग डिवाइड करे हैं इन्होंने, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष की और उत्तर बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष की अवस्था को उत्तर बाल्यावस्था कहा है। फिर पांचवी स्टेज है, इन्होंने बयासंधि अवस्था बताया है। पांचवी बालिकाओं में यह बयासंधि अवस्था कब आती है, 11 से 13 वर्ष में, और बालकों में 12 से 13 वर्ष में आती है वयसंधि अवस्था। छठवां है किशोरावस्था, किशोरावस्था 13 से 21 वर्ष की अवस्था को किशोरावस्था कहा है, लेकिन इसमें 2 भाग डिवाइड किए हैं, पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था है 13 से 16 वर्ष और उत्तर किशोरावस्था है 17 से 21 वर्ष। प्रौढ़ावस्था 21 से 40 वर्ष, मध्यावस्था 41 से 60 वर्ष और वृद्धावस्था है 60 वर्ष के बाद जीवन के अंतिम समय तक की अवस्था को क्या कहते हैं, हम वृद्धावस्था कहते हैं। इन अवस्थाओं से बेटा जरूर आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो इनको आपको अच्छे से याद करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, पराधीनता की अवस्था कौन सी है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। राइट आंसर क्या होगा, शैशवावस्था। पराधीनता मतलब दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है जब बच्चा ना, तो उस अवस्था को क्या कहते हैं हम, शैशवावस्था। विकास का सही क्रम क्या है, शैशवावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था ये तो है नहीं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था ये तो सही है, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, किशोरावस्था ये भी तो, बाल्यावस्था का वृद्धावस्था तो नहीं आता है, फिर बाल्यावस्था शैशवावस्था ये भी नहीं आता है, पहले क्या आता है, शैशवावस्था आता है, फिर बाल्यावस्था आता है, फिर किशोरावस्था। राइट आंसर क्या होगा, बी। अजीबो गरीब अवस्था किस अवस्था को कहते हैं, इसमें देखिए शैशवावस्था, बचपनावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। राइट आंसर क्या है, बचपनावस्था को अजीबो गरीब अवस्था कहते हैं। बचपनावस्था को कहते हैं, क्या कहते हैं, खतरनाक अवस्था, प्रयास द्वारा सीखने की अवस्था, आत्मनिर्भरता की अवस्था, उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या है, उपरोक्त तो सभी। माता पिता के लिए समस्या अवस्था कौन सी है, इसमें देखिए पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, मध्यावस्था, वृद्धावस्था। राइट आंसर क्या है, पूर्व बाल्यावस्था माता पिता के लिए समस्या अवस्था होती है। पूर्व बाल्यावस्था को कहते हैं पूर्वशाली अवस्था, समूह पूर्व की अवस्था, समस्या अवस्था, उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या है, उपरोक्त सभी।
पूर्व बाल्यावस्था को जिज्ञासा प्रवृत्ति की अवस्था, स्थिरता और शांति की अवस्था भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर बाल्यावस्था 6 वर्ष की आयु से 2 संधि तक की अवस्था के आरंभ होने तक 11 और 12 वर्ष के बीच होती है, यह परिभाषा किसने दी है? हरलॉक, फ्रायड्स, रॉस, काल्सेनिक। राइट आंसर क्या है? हरलॉक ने। उत्तर बाल्यावस्था है प्रारंभिक स्कूल की आयु, चुस्ती आयु, गंदी आयु, उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। कभी कभी इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आप अच्छे से याद कर लीजिए इसको। समूह आयु किस अवस्था को कहते हैं? समूह आयु, इसी को हम गैंग एज भी कहते हैं, कभी कभी आ जाता है गैंग अवस्था लिख के आ जाता है, ठीक है? तो ये भी आपको याद रखना, समूह आयु, टोली आयु या गैंग एज, ये सब एक ही हैं। तो किस अवस्था को कहते हैं? पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था। राइट आंसर है उत्तर बाल्यावस्था को समूह आयु कहते हैं, या टोली आयु कहते हैं, या गैंग आयु कहते हैं। सारस आयु किस अवस्था को कहते हैं? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, व्यसंधि अवस्था। राइट आंसर क्या है? उत्तर बाल्यावस्था को सारस आयु कहते हैं। उत्तर बाल्यावस्था की कुछ विशेषताएं हैं, इनके बारे में आप पढ़ लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि इन्हीं विशेषताओं से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि प्रारंभिक स्कूल की आयु, चुस्ती आयु, गंदी आयु, समूह आयु, सारस आयु, क्षीण बुद्धि आयु, मिथ्या परिपक्वता की अवस्था, आत्मनिर्भरता की अवस्था, जिज्ञासा की आयु, सुप्त काम प्रवृत्ति की आयु, संचय प्रवृत्ति की आयु, नैतिक विकास की आयु, ये क्या हैं? उत्तर बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था शब्द अंग्रेजी भाषा के किस शब्द से बना है? तो देखिए, एडोलसेंस, एडोसेंस, एडोकेयर, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या है? एडोलसेंस। किशोरावस्था का शब्द अंग्रेजी भाषा के एडोलसेंस से लिया है। एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? देखिए, ग्रीक भाषा, हिंदी भाषा, लैटिन भाषा, चाइनीज भाषा। राइट आंसर क्या है? लैटिन भाषा से इस शब्द की उत्पत्ति हुई। एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एडोलस्कर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना, ठीक है? किशोरावस्था वह काल है जिसमें प्राणी बाल्यावस्था से प्रौढ़ता की ओर विकसित होता है, यह कथन किसका है? यह कथन है जर्सी हिल का। प्रारंभिक किशोरावस्था आंधी और तनाव की अवस्था है, यह कथन किसका है? यह कथन है हरलॉक का। किशोरावस्था है विकास की चरम सीमा, विकास की एक क्रमिक अवस्था, कल्पनाओं का बहुल, विकास की चुनौती। राइट आंसर क्या होगा? विकास की एक क्रमिक अवस्था है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था है, यह कथन किसका है? ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, तो ये कथन है स्टैनली हॉल का। एडोलसेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, स्टैनली हॉल, जर्सील्ड, फ्रायड, क्रोएनक्रो। राइट आंसर क्या है? स्टैनली हॉल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? किशोरावस्था समस्या बहुल की अवस्था है, राइट है। किशोरावस्था अधिकतम विकास की अवस्था है, ये भी राइट है। किशोरावस्था वीर पूजा की अवस्था है, ये भी राइट है। उपरोक्त सभी कथन सत्य। राइट आंसर है उपरोक्त का भी, सभी कथन सत्य हैं। लड़कियों में मासिक धर्म शुरू होने की औसत आयु कितनी है? तो इसमें देखिए, 12 वर्ष, 12.8 वर्ष, 11.5 वर्ष, 13.8 वर्ष। राइट आंसर क्या है? औसत आयु पूछा है, तो ये है 12.8 वर्ष, ठीक है? लड़के वयस्क जैसी संरचना किस औसत आयु में प्राप्त कर लेते हैं? इसमें देखिए, 13.5 वर्ष, 15.5 वर्ष, 16.5 वर्ष, 12.5 वर्ष। राइट आंसर क्या है? 15.5 ईयर में लड़के वयस्क जैसी संरचना प्राप्त कर लेते हैं।
वयासंधि अवस्था में डाइटिंग करने से कौन सी विकृति उत्पन्न हो जाती है? तो इसको कहते हैं हम एनोरेक्सिया नर्वोसा। संवेगात्मक तनाव की अवस्था किस अवस्था को कहते हैं? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था। राइट आंसर है प्रौढ़ावस्था को संवेगात्मक तनाव की अवस्था कहते हैं। मध्यावस्था में संबंधित मनोसामाजिक सिद्धांत उत्पादकता बनाम स्थिरता का प्रतिपादन किसने किया था? तो देखिए इसमें एरिक्सन, फ्रायड, कर्ट लेविन, लेविंस। राइट आंसर क्या है? कर्ट लेविन। जीवन से अनुकूलतम नामक मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? फ्रायड, एरिक्सन, चोमस्की, वेलेंट। राइट आंसर है वेलेंट। लास्ट क्वेश्चन देखिए, वृद्धावस्था में कौन सी मानसिक दुर्बलता पाई जाती है? ठीक है, डिमेंशिया, डिसलेक्सिया, अवसाद, अल्जाइमर। राइट आंसर क्या है? डिमेंशिया। ठीक है, डिमेंशिया मतलब डिमेंशिया क्या होता है? पागलपन सी स्थिति हो जाती है, मानसिक दुर्बलता पाई जाती है। उसी के डिमेंशिया के प्रकार होते हैं ये पार्किंसन और अल्जाइमर। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।